नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। उत्तराखंड की 70 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुए थे, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 7 मार्च को विभिन्न एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल के नतीजे पेश कर दिए गए, जिसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी कितने पानी में। उत्तराखंड में साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था। आइए आपको 5 मुख्य चैनलों के एग्जिट पोल की औसत नतीजों से रूबरू कराते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 36 से 46, कांग्रेस को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बसपा को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। वहीं अन्य दलों के खाते में 2 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। ABPC वोटर्स के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, जिसमें कांग्रेस को 32 से 38, भारतीय जनता पार्टी को 26 से 32 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं आपको 0 से 2 और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें आने का अनुमान है। टुडेज चाणक्य न्यूज 24 के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी को 43 सीटें, कांग्रेस को 24 सीटें, वहीं अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ नव भारत के अनुसार बीजेपी को 37 सीटें, जबकि कांग्रेस को 31 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। रिपब्लिक पी मोड के मुताबिक बीजेपी को 35 से 39 सीटें, कांग्रेस को 24 से 28, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाने का अनुमान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सी लॉट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।